स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के इस खोज प्रोग्राम में। मेरा नाम है शहबाज, आप देख रहे हैं लहर चैनल। आज का ये काफ़ी स्पेशल वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आज मैंने आपके लिए खोजा है एक ऐसा होम स्टे जिसका व्यू पूरी तरह से नेचर वाला ही है। इस होम स्टे का नाम भी नेचर व्यू है। वेल, जैसे ही आप इसके रूम में बैठोगे, इसके कुछ एक दो रूम ऐसे हैं तो आपको रूम से ही वो व्यू पूरा का पूरा दिखेगा सामने सामने। काफ़ी ज़बरदस्त होम स्टे है, आप देखिए। और सबसे बड़ी बात, ये बजट में है। आप दोस्तों इनके ओनर से बार्गेन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे ओनर्स भी हैं और इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, पोलाइट है बिल्कुल। तो इन्जॉय करिए इस वीडियो को, आखिर तक देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। दोस्तों ये है हमारा रूम, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत रूम है। ऐसे दो रूम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है। ये वॉशरूम है, और ये दूसरा वाला रूम है। और इस रूम के साथ में ये इसका वॉशरूम भी देख लीजिए आप। पहले गीजर भी है, शॉवर भी है, काफी खूबसूरत है। और इस रूम के साथ में ओनर भी है। हेलो, क्या नाम है आपका? निकिता खाती। निकिता? गीता खाती। गीता खाती, ओके, नाइस नेम। ये रूम के बारे में हमें बताइए आप, ये फैसिलिटीज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं दार्जिलिंग में, ये कितने सालों से कर रहे हैं? दो वर्ष से कर रहे हैं। दो वर्ष से? अच्छा, कोविड की वजह से बंद हो गया। हाँ, तो अभी कोविड के बाद ओपन हो गया, तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, सो आप बताइए ये रूम का जो भी एमिनिटीज है वो क्या क्या है? तो आपको एमिनिटीज क्या मिलेगा इस रूम में? इस रूम बहुत कंफर्टेबल है। आपको गीजर, बाथरूम, टॉयलेट, टीवी और बेडरूम सब कुछ मिलेगा। वाईफाई एवरीथिंग। और वहाँ से आपको व्यू भी देखेगा। हाँ। देखने के बाद आपको रोड लाइन में कार भी देखेगा। हाँ। जी, और बताइए आप अपने रूम्स के बारे में। बहुत सुंदर भी है, बहुत कम्फर्टेबल भी है, सबको पसंद है ये रूम। हाँ, मैंने देखा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में ही, तो मेरा वो वॉकिंग डिस्टेंस नहीं, आपको गाड़ी लेकर सीधा गेट के सामने ही मेरा होम स्टे मिलेगा, तो आपको वॉकिंग भी करना नहीं पड़ेगा। बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा रूम है। ओके, ये मार्केट से कितनी दूर है दार्जिलिंग की? मार्केट स्टैंड से आपको 10-15 मिनट का, 10-15 बाई कार। ओके, 10-10 मिनट्स बाई कार जी के सामने ही। बहुत अच्छा रूम है, आपको जी थोड़ा सामने मिलेगा, तो मेरा ऊपर का रास्ता भी है, नीचे का रास्ता भी, ठीक है। रोपवे भी इधर ही पड़ेगा और दार्जिलिंग टी गार्डन भी इस साइड पे पड़ेगा। ओके, सब जो ये होम स्टे है वो सेंटर पॉइंट में है, तो मार्केट से थोड़ा दूर है लेकिन बहुत सेंटर पॉइंट में है। यहाँ से आपको सब कुछ मेरा नजदीक ही मिलेगा, टी गार्डन, जू, रोपवे, सब कुछ इधर ही है, मेरे रोपवे के सामने ही है। ओके, तो चलिए आपके जो दूसरे रूम्स हैं हम वो भी देखते हैं। ये तो आपका फर्स्ट फ्लोर का रूम था, आपने बताया था ये फर्स्ट फ्लोर का रूम है जो काफ़ी अच्छा वेल डिजाइन है, लेकिन सेकंड फ्लोर के रूम का एडवांटेज ये है कि पूरा व्यूज के साथ में है और काफ़ी लग्जरियस है, राइट? तो चलिए हम देखते हैं सेकंड फ्लोर। जैसा कि बात हुई थी, इनके जो थर्ड फ्लोर वाला रूम्स है, थर्ड फ्लोर पे जो रूम्स है वो लग्जरियस है, तो वो आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रूम है। ये हो गया वॉशरूम दोस्तों, जो काफ़ी बड़ा है,
नाच गा के जरूर आप नहा सकते हो। ये सबसे पहले आप वॉशरूम देख लीजिए इसका, जो बिल्कुल सामने है। और ये रहा रूम, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। दोस्तों ये ड्रीम रूम जैसा लग रहा है आपको, ड्रीम रूम कहे या ड्रीम हाउस कहे या ड्रीम स्टे कहे, जो भी आपको ठीक लगे ये उसी तरह लग रहा है। जस्ट उसी के बाजू में ये एक और रूम है, ये वॉशरूम है। दोस्तों अब जो ये रूम से हम व्यू देखने जाएंगे वो बहुत ज्यादा कमाल है। ये मैं अभी बेड पे हूं और बेड पे लेट चुका हूं। आप लेटे लेटे ही जैसे ही अपनी सुबह आंखें खोलोगे तो आपको ये नजारा बिल्कुल सामने दिखेगा, काफी कमाल का है। ये हम उसके बाजू वाले रूम में आ चुके हैं दोस्तों। और यहां से भी सेम व्यू आपको दिखाई दे रहा है। अब जब यहां बेड पे लेट जाओगे और लेटते से ही आपको ये सारा व्यू पूरा का पूरा दिखाई देगा आपकी आंखों के सामने, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा रोमांटिक भी है।